कह रहा हूं भाई इन्फेनिक्स एक्स नोट थर्टी वीआईपी का स्पेशल एडिशन बॉक्स जो है वो मेरे पास यहां पर आ चुका है आई होप आपको इंट्रो जो है वो पसंद आया होगा बट ये जो मोबाइल फोन है इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली हैं। अब मजेदा बात ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन दी गई हैं जो कि इस मोबाइल फोन की इतनी बड़ी हाइप को भी जस्टिफाई करती हैं क्योंकि यूजली हमने हाइप वाले फोन देखे हैं बट वो अपनी हाइप को जस्टिफाई नहीं कर पाते मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आपको बॉक्स दिखा देता हूँ काफी सिंपल सा बॉक्स है देखने में काफी हद तक कार्बन फाइबर टाइप की जो लुक है वो दी गई है यहां पर हमें ये ट्राई कलर स्ट्राइप जो है All across the box देखने को मिल रही है भाई इसमें से निकाल लेता हूं। काफी बड़े का है है जो कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और लिखा हुआ है भाई लिमिट्स एम्ब्रेस द स्पीड ओके खुलना चाहिए ओके दिस इज आई थिंक ओपन लाइक दिस ओके अगेन वही चीज यहां पर मैंशन की गई है पुश द लिमिट एम्ब्रेस द स्पीड और uh, आपको यहां पर बॉक्स में तीन चीजें देखने को मिल जाती हैं सबसे पहले तो आपको यहां पर 15 का आपका वायरलेस चार्जर देखने को मिल रहा है जो कि इन्फिनिक्स ब्रांडेड चार्जर है और अगेन इसमें भी आपको वही ट्राई कलर जो है वो देखने को मिल जाता है दिस इज अ 15 वॉट चार्जर उसके अलावा यहां पर आपको बॉक्स के अंदर एक्स देखने को मिल जाते हैं जो लोग इससे वाकिफ नहीं है भाई ये इन्फिनिक्स के प्रीमियर हेडफोन्स हैं ईयरफोन्स हैं और ये एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन को भी सपोर्ट करते हैं जो कि अगेन इस स्पेशल एडिशन बॉक्स में देखने को मिल रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि मोबाइल फोन कब लॉन्च हो रहा है और ये नोट थर्टी वी का क्या सीन है तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ पहले मैं इसको जरा ये स्पेशल एडिशन बॉक्स से तो बाहर निकाल लूँ ये मोबाइल फोन जो है ये स्पेशल एडिशन बॉक्स है और ओके तो इसको जैसे जैसे मैं पुल आउट करता जा रहा हूँ मुझे यहाँ पर ये अगेन ट्राई कलर वाला जो बी के कलर्स हैं वो वाला आपको एक किचन देखने को मिल जाता है और उसके अलावा यहां पर आपको ये कार्ड देखने को मिल रहा है जो कि आई थिंक बताएगा मैं इसे खोल लेता हूं मेरा दिल तो नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिमिटेड एडिशन फोन है बाय द वे ये मोबाइल फोन जो है एक्सपार्क और पैकेजेस मॉल वाला जो इंफिनिक्स का आउटलेट है उसके ऊपर अवेलेबल होने वाला है अट्ठारह सेप्टेम्बर से और ये कार्ड आपको देखने को मिल जाता है बेसिकली ये सिग्निफाई करता है कि आपके पास इंफिनिक्स का नोट थर्टी वी है और उसका भी स्पेशल एडिशन वाला बॉक्स है तो ये एक बड़ी मजेदार किस्म की चीज है और इसके अलावा आपको ये देखने को मिल जाता है मैं जरा ये चीजें साइड पे कर लू ओके okay, भाई तो फोन हमारे यहाँ पर सामने आ चुका है नोट थर्टी वीआईपी इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है आपको ट्राई कलर अगेन वही देखने को मिल जाता है तो पूरी थीम जो है वो सेट की गई है दो जीबी इंटरनल स्टोरेज है और भाई यहां पर इक्कीस जीबी रैम को मैंशन किया गया है क्योंकि इसकी जो इंटरनल रैम है वो बारह जीबी रैम है ये मोबाइल फोन बारह जीबी की रैम के साथ आ रहा है और यहां नौ जीबी की एक्सटेंडेड रैम को मेंशन किया गया है बट मुझे नहीं पता वो कौन बंदा है जिसको बारह जीबी रैम के बाद भी एक्सटेंडेड रैम की जरूरत पड़ेगी लेकिन अगर आपको पड़ेगी तो इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल है इसके अलावा जो इस मोबाइल फोन की मेन हाईलाइट है उनको मेंशन किया गया है क्योंकि ये नोट थर्टी का भी वी मॉडल है तो यहां पर आपको सिक्सटी एट वॉट की जो वायर्ड चार्जिंग है वो भी देखने को मिल जाती है बट उसके अलावा एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है इज डील इस मोबाइल फोन की अगर आप बैक साइड पर आ जाते हैं तो इसकी कुछ और हाईलाइट को मैंशन किया गया है जिनके अंदर डायमेंसिटी एट जीरो फाइव जीरो फाइव जी चिपसेट को मोबाइल फोन तो के अंदर जो चिपसेट लगाया गया है वो आई थिंक जिस रेंज में ये मोबाइल फोन आ रहा है पाकिस्तानी मार्केट का सबसे पावरफुल चिपसेट है बाय फार और ये चीज हमने नोट थर्टी प्रो में भी देखी थी नोट थर्टी में भी देखी थी और इस फोन में भी देख रहे हैं कि अपनी अपनी प्राइस कैटेगरी के अंदर ये सबसे ज्यादा पावरफुल चिपसेट के साथ आ रहे हैं और बाय द वे मैं ये बात बता दूं कि इसका जो स्टॉक का सिचुएशन है वो काफी लिमिटेड होने वाली है उसके अलावा भाई यहां पर एक मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है डिओ स्पीकर को भी मैंशन किया गया है एंड मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर भी आपको 120 ट्वेंटी हर्ड एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है बट यहां पर डिस्प्ले में दो ऐसी चीजें हैं जो कि इवन नोट थर्टी प्रो में अवेलेबल नहीं थी मैं उनको आपको आगे चलकर दिखा देता हूँ बॉक्स के अंदर वो कह रहा है डब्बे में डब्बा निकल आया है भाई डब्बे में डब्बा निकल आया है और यहाँ पर अगेन आपको एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है क्योंकि मेरे पास जो यूनिट था वो बिल्कुल ही स्पेशल एडिशन यूनिट था आ, तो नॉर्मल लोगों के लिए भी जो आपको वायरलेस चार्जर है वो बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा ये जो लिमिटेड एडिशन बॉक्स है उसके साथ और उसके अलावा आपको, आपको आपका जो फोन है वो देखने को मिल जाता है अगेन वही ब्रांडिंग पुश द लिमिट्स एम्ब्रेस द स्पीड uh, सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है इसको मैं साइड पे कर दूंगा क्योंकि भाई तभी तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखोगे मुझे पता है कुछ लोग आगे पीछे करके देखेंगे टेंशन नहीं लेनी काफी डिटेल दूंगा भाई अगेन वही कार्ड आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि मेरा वाला अगेन स्पेशल एडिशन था तो मुझे कुछ चीजें डबल देखने को मिल गई है ओके भाई तो अगली चीज जो कि यहाँ पर मिल जाती है एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज है क्योंकि यहाँ पर आपको एक टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर देखने को मिल रहा है यार ज्यादातर फोन के अंदर प्रोटेक्टर ही नहीं अवेलेबल

ये वायरलेस चार्जिंग का लोगो भी दिया गया है जो कि ये बता रहा है कि ये मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है जो जो लोग डिजाइन डिजाइन के के बारे में सोच रहे थे आपको पर कैमरा साइज से अंदाजा हो जाएगा कि इसका जो है वो कितना ज्यादा ओपन एंडेड डिजाइन रखा गया है भाई बहुत बड़ी चीज रखी गई है इसके अलावा यहाँ पर सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है इसके अंदर आपको एक हैंड फ्री भी देखने को मिल जाती है जो कि एक इंटरेस्टिंग इंक्लूजन है क्योंकि यूजली हम प्रीमियम फोन में आजकल हैंड फ्रीज नहीं देख रहे एक वायर देखने को मिल जाती है जो कि टाइप ए टू टाइप सी वाली है आपको वही सिक्स का बड़ा चंकी ब्रेक देखने को मिल जाता है मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में अभी अगर करंट मार्केट की बात करते हैं तो अगेन पाकिस्तानी मार्केट में दिस इज द फास्टेस्ट चार्जर एज वेल जो कि आपको किसी भी फोन में मिलता है और ये इकलौता आ, मतलब इन्फिनिक्स इकलौती कंपनी है जो कि इस प्राइस रेंज में आपको फिफ्टी वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी प्रोवाइड कर रही है कोई और कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही लेटर लोन वायरलेस चार्जिंग कोई मतलब 50 वॉर तो सोच भी नहीं सकती चीजें मैं जरा साइड पे कर देता हूँ ताकि मैं आपको फोन जो है वो यहाँ पर दिखा सकूँ और फोन को हम निकाल लेते हैं कवर से अगेन क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है तो इसका जो कलर है वो भी काफी यूनिक रखा गया है साइड्स अगर आप इसकी देखेंगे तो आपको ये आ, मरून और रेड के दरमियान में कोई कलर देखने को मिल जाता है ऊपर वाली साइड पर आपकी स्पीकर ग्रिल दी गई है और ये जो मोबाइल फोन है ये JBL से अप्रूव्ड साउंड सिस्टम के साथ आता है जिसका मतलब ये है कि इसके जो दोनों स्पीकर्स हैं उनका स्टेरियो इफेक्ट JBL ने ट्यून किया है बैक साइड के ऊपर आपको ये लेदर राइट टाइप की फील देखने को मिल जाती है ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है और दो मेगा मेगापिक्सल के दो सेंसर लगाए गए हैं चार एलईडीज यहां पर देखने को मिल जाती है नीचे वाली साइड पर टाइप सी है आपका स्पीकर है और भाई साइड पर आपको आपकी पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज देखने को मिल जाती है और जैसे मैंने बताया था ना कि जो बंदा इस मोबाइल फोन को देखेगा तो उसको डिस्प्ले में दो बड़े सरप्राइजेस मिलने वाले हैं भाई पहला बड़ा सरप्राइज तो मैं ये बता देता हूं कि इसका जो डिस्प्ले है उसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाया गया है क्योंकि ये कैमोलट डिस्प्ले है और वन ट्वेंटी के साथ आता है तो इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी इंक्लूड किया गया है और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो एमोलट डिस्प्ले है ये एच डी आर टेन बिट को सपोर्ट करता है तो यहां पर जो कलर की क्वालिटी आने वाली है वो बहुत ज्यादा मजेदार रहने वाली है ओके okay भाई मोबाइल फोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है मजेदार बात यह है कि मेरी टीम ने इस मोबाइल फोन को चार्ज ही नहीं किया हुआ था यह वन परसेंट के ऊपर था लिटरली अभी चार्जिंग पे लगाया है लेकिन अच्छी बात यह थी कि वोट की चार्जिंग की वजह से यह वाकई काफी तेजी से चार्ज हो गया ट्वेंटी सेवन परसेंट हो गया तो अब आप मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूं डिजाइन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं फ्रंट पर जो डिस्प्ले है वो काफी हाई क्वालिटी का लगाया गया है और यहां पर जो मजेदार बात है वो है भाई कि क्योंकि ये वन ट्वेंटी हर्ड एमोलेट डिस्प्ले है और क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो भी उस डिस्प्ले के हिसाब अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो आपको ये मोबाइल फोन काफी ज्यादा स्मूथ जो है वो फील करने में आएगा यहां पर एक हाई ब्राइटनेस मोड भी दिया गया है क्योंकि मोबाइल फोन काफी अच्छी ब्राइट डिस्प्ले के साथ आता है भाई इसके डिजाइन के अंदर एक और चीज जो कि इसी मोबाइल फोन के अंदर डेब्यू हो रही है वो लेदर बैक लाइट है इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर तीन डिफरेंट कलर की लाइट लगाई गई है आप चार्जिंग पे लगाए या फोन वगैरह आए तो ये लाइटें चल जाती है और क्या डिजाइन प्रोवाइड करती है भाई। गेमिंग का एक और फीचर जो कि मुझे इसका बहुत ज्यादा मजेदार लगा है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास पास थ्रू चार्जिंग जिसको बाईपास चार्जिंग भी कहा जाता है वो अवेलेबल है जिसका फायदा यह है कि गेमिंग के दौरान आप डायरेक्ट जो है वो चार्जर के ऊपर इस मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं और

ओके okay, भाई अगर आप साउंड की बात करते हैं तो मेरे फाइनल इंप्रेशन ये हैं कि ये थोड़ा सा लाउड और हो सकता था मेरे हिसाब से इसकी जो लाउडनेस है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी बट यहाँ पर जो स्टेडियो सेपरेशन है वो काफी ज्यादा है एक और चीज जो कि मैं समझूंगा कि थोड़ा बेहतर हो सकती है वो ये है कि ये स्पीकर जो है ऊपर वाली साइड पे मौजूद है अगर ये स्पीकर फ्रंट वाली साइड पे मौजूद होता तो जो बंदा गेमिंग कर रहा है या जो बंदा इसको यूज कर रहा है मूवी देखने के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा है बट अगर आप दोस्तों यारों के साथ बैठ के मूवी देख रहे हैं तो उसमें जो ये वाला डिजाइन है वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा अर्न भाई

ये मोबाइल फोन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है जिस तरह आपको नोट थर्टी प्रो के अंदर भी देखने को मिल जाती है जिसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर अपने मोबाइल फोन के बैक साइड पर कोई और डिवाइस जो कि वायरलेसली चार्ज हो सकती है उसको रखकर चार्ज भी कर सकते हैं तो यार छोटे छोटे काफी फीचर्स लगाए गए और जो चीज मुझे पसंद आ रही है वो ये है कि इन्फेनिक्स ने एक ऐसा मोबाइल फोन लॉन्च किया है जो कि लिटरली बड़े बड़े मोबाइल फोन्स के साथ सामने आके खड़ा हो सकता है और कह सकता है कि ब्रो मेरे में ये फीचर है बट इसका जो प्राइस टैग है वो बहुत ज्यादा अच्छा रखा गया है जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे अंदाजा दिया गया है कि इसका प्राइस टैग क्या है तो मैं यहां पर एग्जैक्ट प्राइस टैग जो है वो अगर उस टाइम तक आ गया जब तक ये वीडियो आएगी तो यहां पर बाद में डलवा दूंगा बट आई एम अज्यूमिंग कि ये अंडर वन लाख आने वाला है एग्जैक्ट प्राइस टैग होपफफुल मेरी टीम यहाँ पर डाल देगी कॉमेंट्स में बताइएगा कि इस फोन के रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियंस हैं ये फोन आपको कैसा लगा है इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा दिस इज बिलाल सेनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज